वजह हैरान कर देगी। जानिए ऐसा क्या है इस कुंड में जो महिलाएं नहाने से हो जाती हैं गर्भवती। धर्म की नगरी कही जाने वाली जगह काशी में भगवान सूर्य का पर्व लुलार खट बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पर्व पर दूर दूर से लोग आते हैं और संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। वाराणसी में भदेनी स्थित लुलार कुंड में संतान प्राप्ति की कामना करके आस्था की डुबकी लगाई जाती है। इस कुंड से कई मान्यताएं जुड़ी हैं जिस वजह से दूर दूर से पुरुष और महिलाएं यहां दर्शन करने आते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और खास बातें। तीर्थ नगरी काशी में पुत्र कामना के स्नान पर सूर्य षष्ठी पर रविवार को लुलार कुंड में डुबकी लगाने के लिए आस्था का जनवरी से लाभ उमड़ता है। रात में ही अनुमान से अधिक इस कदर भीड़ उमड़ती है कि भदेनी जाने वाले रास्ते पैक हो जाते हैं। संतान प्राप्ति की कामना को लेकर शनिवार को काशी के भदेनी स्थित लुलार कुंड में पति पत्नी ने स्नान करते हैं। कुंड के पास लंबी लाइन लगी रहती है। बता दें कि स्नान को लेकर शुक्रवार शाम से ही महिला पुरुषों की लंबी कतार लग जाती है। सोनाटपुरा से लेकर डुमराव बाग तक लाइन लग जाती है। इससे वहां मेले जैसा माहौल हो जाता है। दो माह के षष्ठी तिथि को होने वाले इस लुलार कुंड में स्नान के दौरान सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त किए जाते हैं। ये है मान्यता। मान्यताओं के अनुसार लुलार कुंड आदिकाल से स्थित है। बताया जाता है कि भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने भी यहाँ पर स्नान किया था। ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड में भगवान भास्कर इस कुंड में शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। लुलार कुंड में गंगा नदी का संपर्क है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में फल छोड़ने से और स्नान करने से संतान रूपी फल की प्राप्ति होती है। यहाँ जो फल छोड़े जाते हैं उसे खाया नहीं जाता, मान्यता पूरी होने के बाद करना होता है ये काम। जब लोगों की मान्यता पूरी होती है तो अपने बच्चों का मुंडन करवाने यहाँ आते हैं और दान करते हैं। इस कुंड की एक मान्यता और भी है कि जिस कपड़ों में लोग यहाँ स्नान करते हैं उन्हें वो कपड़े यहीं छोड़ने पड़ते हैं। कुंड में स्नान करके के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जिस दंपत्ति को संतान का सुख प्राप्त नहीं होता वो पति पत्नी एक साथ आकर कुंड में स्नान करते हैं और भगवान लुलार की आराधना करते हैं। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। दूर दूर से लोग संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी करने इस कुंड के दर्शन करने आते हैं।